हाय एवरीवन गुड इवनिंग एंड वस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस आज के मेरे इस हॉल वीडियो के लिए मैंने बाय किया है फ्लिपकार्ट से वहां से मैंने कुर्ता प्लाजो बाई किए हैं कुर्ताज़ हैं अनारकली कुर्ता के, है डेली वेयर के लिए हैं फेस्टिवेयर के, के, के है। लिए हैं लाइक बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग की है मैंने क्योंकि पे मुझे हमेशा की तरह अनबिलीवेबल प्राइजिस पे काफ़ी ज़्यादा उनकी वाइड रेंज है ना वहाँ से शॉप करने का अपना अलग ही मज़ा है और ऊपर से प्राइस इतने अफोर्डेबल होते हैं और आपको हर चीज़ आई I मीन mean, जो भी अगर आपको कुछ ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है ना तो आपको फ़्लिपकार्ट ज़रूर से मिल जाएगा क्योंकि उनके पास हमेशा ट्रेंडिंग कलेक्शन रहता है साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट डिलीवरी है एंड नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न भी है सो so, मुझे हमेशा वहाँ से शॉप करने में बहुत ही मज़ा आता है आप सभी के लिए मैं आज लेकर आई हूँ वहीं से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी लेटेस्ट कलेक्शन इन फेस्टिव सीजन्स के लिए डेली वेयर के लिए तो अगर आपको पसंद आएगी वीडियो मेक श्योर sure मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन हिट करना बिल्कुल से मत भूलिएगा एंड या ये शुरू करते हैं मेरे आज के इस हॉल वीडियो से ओके सो हम करने स्टार्ट विथ माय फर्स्ट कुर्ता एंड दिस इज़ हाउ माय फर्स्ट कुर्ता एक्चुअली इट्स साता एंड प्लाजो का सेट तो उसमें ये है उसका कुर्ता ये बहुत ही ज़्यादा फेस्टिव अप्रोप्रिएट खूबसूरत सा कुर्ता है इस कुर्ते का जो फैब्रिक है वो है आर्ट सिल्क और साथ ही साथ इस पर आपको फॉयल प्रिंट मिलता है पूरे के पूरे फ्रंट सेक्शन पर ये देखिए नीचे तक तो उसका बैक सेक्शन पूरा प्लेन है इस कुर्ता की फिटिंग मुझे थोड़ी सी लूज़ लगी बट मुझे वैसे ही फ़िटिंग पसंद है ऑनेस्टली एंड उसके बाद बोट नेक मिलेगा इस कुर्ता का फैब्रिक बिल्कुल भी शेयर नहीं है एक हल्की सी शाइनी यू कैन सी हल्का सा इसमें शाइन है जो कि फेस्टिव्स में बहुत अच्छी लगती है किसी भी ड्रेस में इन फेस्टिवल सीजन में ऐसी ड्रेसेस अच्छी लगती हैं पिक्चर्स बहुत ही अच्छी आती हैं इसमें एंड अगर मैं बात करूँ इसके प्लाज़ो की तो प्लाज़ो का भी फैब्रिक है आर्ट सिल्क जिसमें आपको इलास्टिक पैटर्न मिलता है वेस्ट पे और ये जो आपको फॉयल प्रिंट का वर्क है ये आगे भी है पीछे भी है कलर देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है और नीचे जाकर ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है सो so, सो so, प्लाज़ो की फिटिंग अच्छी है कुर्ता की भी फिटिंग अच्छी है लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है मैंने मेरे इसको वेस्ट से वेयर किया है मेरी फाइव थ्री की हाइट पर ये एक आराम से मतलब छोटा या लंबा प्लाजो नहीं है लूज़ या टाइट भी नहीं है तो मुझे प्लाजो और कुर्ता दोनों ही काफ़ी अच्छे लगे सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा मेक श्योर sure कि अगर आपको इनमें से कोई भी ड्रेस अच्छी लगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कीजिए नेक्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट वन ऑफ माई एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता एंड दिस इज़ अ डार्क डार्क ग्रीन कलर कुर्ता, सो दिस इज़ हाउ माई कुर्ता लुक्स लाइक अगेन ये भी बहुत ही ज़्यादा और कलर्स में अवेलेबल है बाई द वे दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड डी एम पी फैशन साइज इन सारे ड्रेसिस में मेरा एस है सो दिस इज़ अ रेऑन फैब्रिक कुर्ता ब्यूटिफुल सी इस पर एम्ब्रॉयड्री है इसके नेक पे उसके अलावा देखिए पूरा का पूरा आपको प्लेन कुर्ता मिलेगा ये आगे से प्लेन है और ये पीछे से प्लेन है इसमें सामने जो है ये बटन्स का एक पैटर्न मिलता है और नीचे जाके आपको स्लिट मिलेगा हालांकि ये बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं है क्योंकि स्लिट मेरे नीज से नीचे शुरू होता है आई लव दिस कुर्ता द वन थिंग विच आई वज आई मीन मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता अगर इस कुर्ता की जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम होती मतलब मेरे लिए ये प्रॉपर काफ लेंथ का कुर्ता है मेरे हिसाब से दिस इज़ माई पर्सनल टेस्ट कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है लाइक इफ़ यू आर लाइक फाइव सिक्स फाइव सेवन फाइव एट तो ये कुर्ता आपके ऊपर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा बट अगर आपकी हाइट लाइक like, कम है लाइक like, फाइव थ्री फाइव टू फाइव वन और ऐसी हाइट है तो या तो आप इसे हील्स के साथ वेयर कीजिए नीचे स्कर्ट डालिए समथिंग कोई भी घेरदार लाइक या तो प्लाजो घेरदार डाल सकते हैं शरारा या स्कर्ट और उसके बाद हील्स तो अगर कुर्ते के नीचे एक लेंथ दिखेगी बॉटम वेयर की तो ये ड्रेस अच्छी लगेगी अगर आपके कुर्ता ही एंकल लेंथ तक आएगा तो आई एम नॉट श्योर कि आपको कितना पसंद आएगा बट इस कुर्ते के फैब्रिक की बात करूँ फिटिंग की बात करूँ कलर की बात करूँ एम्ब्रॉयडरी की बात करूँ हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत है इट वॉज़ अ पर्सनल ओपिनियन कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो ये आपके ऊपर और अच्छा लगेगा सो so, या yeah, अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे जरूर से लेके ट्राई कीजिएगा ओके सो नेक्स्ट आई हैव अगैन अनदर कुर्ता एंड प्लाजो का सेट आई सॉ दिस ड्रेस ऑन हिना खान आई थिंक या सो आई डेफिनेटली लाइक दिस उसमें ये है उसका कुर्ता सो ब्लैक कलर का बेसिकली कुर्ता है और प्लाजो इट्स मोर कलरफुल है एज़ कम्पेयर टू द कुर्ता सो so, ये रेन फैब्रिक है नेक पे आपको ये देखिए ब्यूटीफुल सा कलर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है और सेम आपको मिलेगा स्लीव पे पीछे से पूरा का पूरा प्लेन है इस कुर्ता की फ़िटिंग मुझे अपने ऊपर बहुत अच्छी लगी एंड ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था मतलब इसमें आप कोई किसी भी हाइट की हैं लाइक आप फाइव से लेकर फाइव एट फाइव नाइन तक हर एक हाइट पर ये कुर्ता बहुत अच्छा लगेगा फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है और फैब्रिक भी बहुत सॉफ़्ट है बात करूँ इसके प्लाज़ो की तो प्लाज़ो पर आपको आगे मिलेगा बेल्ट uh, का सेक्शन बेल्ट uh, का पैटर्न है और पीछे आपको मिलेगा इलास्टिक का सो यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा कलरफुल प्लाज़ो है इसका क्योंकि इसका कुर्ता ऑलमोस्ट प्लेन है सिर्फ नेक पे कलर्स हैं तो उसके साथ एक कॉन्ट्रास्ट का पैटर्न ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है अगर आप चाहें तो इससे लाइक यू नो एक क्रॉप टॉप के साथ भी पहन सकते हैं उसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ओवरऑल so, अगर सेट की बात करें तो फिटिंग वाइज प्राइस वाइज क्वालिटी वाइज मुझे ये सेट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा सो so, आपको भी अच्छा लगे सो मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके नेक्स्ट आई हैव फ्रॉम द ब्रांड ग्लोरियस साइज़ एस में एक हल्दी कलर का कुर्ता है ये बेसिकली जिसपे आपको रेड कलर की स्ट्राइप्स मिल जाती हैं सो जैसे हमारे कुर्ता लुक्स लाइक like. थोड़ा सा शर्ट पैटर्न है इस पर यहाँ पे कॉलर मिलेगी और यहाँ पे फोल्ड का लुक है ये भी रेन फैब्रिक है और मेरे लिए ये है मेरे नी लेंथ का सो so, ऐसा कुछ इसका लुक है सामने आपको बटन्स का लुक है हालांकि बटन्स नहीं खुलते हैं सो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल कुर्ता लगा मुझे इसकी फ़िटिंग भी हल्का सा लूज़ फिट का कुर्ता है जैसा मुझे डेली वेयर पे पहनना पसंद है फेस्टिवल के टाइम आप हल्के से फिट कपड़े पहन लेते हैं हल्के से शाइनी या इस टाइप के कपड़े पहन लेते हैं बट डेली वेयर के लिए मुझे ऐसे ड्रेसेस पसंद है जो हल्की सी लूज़ हो फैब्रिक बहुत ही कम्फर्टेबल होना चाहिए और बट शेयर नहीं होना चाहिए सो आई जस्ट लव दिस कुर्ता फ़ॉर डेली वेयर इसका लुक अच्छा है और अगर आप इसे जीन्स के साथ पहनेंगे तो ये उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है सो इट्स रियली अफोर्डेबल एंड डेली वेयर के लिए आई थिंक इट्स द मस्ट है सो माई नेक्स्ट कुर्ता इज़ अनना द डेली वेयर कुर्ता एंड ये है कॉटन फैब्रिक का सो दिस इज हाउ माई कुर्ता लुक्स लाइक इस पे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो इसकी सिंपलिसिटी थी मुझे कि देखिए इसका जो हल्का सा आपको बोट नेक और उसके बाद यहाँ नीचे वीनेक मिलता है रेड कलर की पैंट के साथ आप इसे पेयर कर सकते हैं इसका जो फैब्रिक है वो है हंड्रेड परसेंट कॉटन ना ही शेयर है ना ही पतला है और बिल्कुल बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है तो कॉटन फैब्रिक जब एक अच्छा कॉटन आप यू नो वेयर करते हैं तो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा लगता है और मुझे कुछ ऐसा ही लगा था इसको पहन के सो थ्री फोर स्लीव है और उसके बाद इसकी फिटिंग भी अच्छी है एंड डेली वेयर के हिसाब से ये लंबा भी नहीं है कैन सी प्रिंट आपको ये रहा इसका बैक ये रहा इसका फ्रंट दोनों साइड मिलेंगे तो आप इसे अपनी पैंट्स के साथ या लेगिंग्स के साथ इवन प्लाजोस के साथ भी आप इसे ईजिली वेयर कर सकते हैं डेली वेयर के लिए इट वॉज प्रॉब्ली द मोस्ट अफोर्डेबल कुर्ता फ्रॉम दिस हॉल तो मुझे काफी अच्छा लगा मेरे आ, मेरे पर्सनल टेस्ट के हिसाब से अगर आपको भी अच्छा लगे कीप संगट डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कीजिएगा वहाँ पर हर एक ड्रेस का लिंक है सो so गाइज ये थे मेरे इस हॉल के ब्यूटिफुल सेक कुर्ता प्लाजो कुर्ता एंड डेलीवेयर के सेट आपको अच्छे लगे सो मेक श्योर कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट मिल जाए अगर आप चाहें तो मेरे प्रीवियस दो वीडियोज़ देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ अनाउंस येगा इस पर सुन तब तक के लिए बाय